हेलो शिनचैन लवर्स, तो आज हम शिनचैन की एक मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है शिनचैन क्रैश रखूंगा किंगडम ऑलमोस्ट फॉर हीरोज। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और एक बात और, ये हमारे चैनल की फर्स्ट एक्सप्लेन वीडियो है, तो यार प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर देना। तो यार प्लीज थोड़ा सपोर्ट कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक अम्यूजमेंट पार्क दिखाया जाता है जब शिनचैन को स्कूल सभी बच्चों को पिकनिक के लिए लाया था। जब सारे बच्चे एंजॉय कर रहे होते तभी हम शिनचैन को देखते हैं जो फ्लोर पर ड्राइंग बना रहा था। यह देखकर योशिनागा मैम शिनचैन को ड्राइंग बनाने से रोकती है और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम रखूंगा किंगडम के राजा को देखते हैं जो शिनचैन की ड्राइंग से बहुत ज़्यादा खुश होता है और सभी से कह रहा होता है कि हमारी स्क्रिबलिंग एनर्जी के लिए पृथ्वी के बच्चे एकदम सही रहेंगे। और ये सुनकर वहाँ का प्रिंस कहता है कि मैं इस बच्चे को यहाँ लेकर आऊँगा ताकि ये हमारे लिए स्क्रिबलिंग एनर्जी जनरेट कर सके, फिर उसकी मदद से हम हमारे किंगडम को बचा लेंगे। अब प्रिंस की इस बात से वहाँ के सारे लोग सहमत होते हैं सिर्फ राजकुमारी को छोड़कर, लेकिन राजा राजकुमारी की बात नहीं मानता और प्रिंस को अर्थ पर जाने के लिए भेज देता है। इसलिए राजकुमारी एक जादुई क्रियोन निकालती है जिससे कोई भी ड्रॉ करी हुई चीज़ जिंदा हो जाती है और राजकुमारी फिर उस क्रियोन को एक जैक नाम के बंदे को देकर कहती है ये क्रियोन पृथ्वी के किसी ब्रेव बच्चे को दे देना। इसलिए जैक राजकुमारी की बात मानकर पृथ्वी पर चला जाता है और वो वहाँ जाकर किसी ब्रेव बच्चे को ढूंढता है जिसे ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र शिनचैन पर पड़ती है और वो शिनचैन को कुछ ड्रॉ करने को कहता है जिसपे पहले तो शिनचैन नहीं मानता, लेकिन बाद में उसके ड्रॉ करने पर ड्राइंग बाहर आ जाती है और जैक समझ जाता है ये वही बहादुर बच्चा है जो इस क्रियोन का असली हकदार है। जब जैक ये सब सोच ही रहा था तभी राजा के कुछ सिपाही उसका पीछा करते करते वहाँ आ जाते हैं तो जैक एक कैमरे से सभी को कैद कर देता है और ये देखकर शिनचैन जैक से बचकर भागने लगता है तो जैक शिनचैन को भी फोटो में कैद कर देता है। दूसरी तरफ राजा के सारे सिपाही पूरे शहर में फैल जाते हैं और बच्चों को छोड़कर सभी बड़े लोगों को फ़ोटो में कैद करने लगते हैं। इस तरह जैक शिनचैन की फ़ोटो के साथ एक जगह आता है और शिनचैन को बताता है कि मैं रखूंगा किंगडम से आया हूँ जिससे किंगडम को स्क्रिबलिंग की वजह से एनर्जी मिलती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहाँ के बच्चे स्क्रिबलिंग नहीं कर रहे हैं तो जिसकी वजह से हमारा किंगडम खतरे में है और तुम ही हो जो हमारे किंगडम को बचा सकते हो। जब जैक ये सब बता ही रहा था तभी वहाँ राजा के कुछ और सिपाही आ जाते हैं और इसलिए जैक शिनचैन की फ़ोटो का प्लेन बनाकर उसे वहाँ से उड़ा देता है और राजा के सिपाही जैक को पकड़ लेते हैं। आगे शिनचैन उड़ता हुआ लोगों को पिक्चर बनता हुआ देखता है और साथ ही वो अपनी फेवरेट ननैको दीदी को भी कार के पीछे पिक्चर बना हुआ देखता है जिसे देख कर शिनचैन दुखी हो जाता है और तभी सीन चेंज होता है और हम सभी बच्चों को देखते हैं जिनसे ज़बरदस्ती स्क्रिबलिंग करवाई जा रही होती है और जो उनकी बात नहीं मान रहा था उनको वो पिक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। जिस इस तरफ शिनचैन उड़ता हुआ एक किसी जंगल जैसी जगह पर आ जाता है जहां वो कैसे भी करके वो जादुई क्रियोन पकड़ लेता है और जो उसे जैक ने दिया था जिस वजह से वो पिक्चर से बाहर आ जाता है। और इसके बाद शिनचैन स्केच बुक पर कुछ ड्रॉ करता है जिसके बाहर आने पर हमें पता लगता है कि वो एक बोलने वाली चड्डी है और जिसका नाम शिनचैन यूजी रखता है। साथ ही वो यूजी से कहता है कि तुम्हारे से बदबू आ रही है, तभी यूजी चिल्लाकर कहता है कि मेरे एकदम साफ हूँ और मुझसे कोई भी बदबू नहीं आ रही होती है। आगे यूजी कहता है हमें सभी को बचाने के लिए बहुत सारे टैंक्स और फाइटर जेट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम वो ही ड्रॉ करो। पर शिनचैन यूजी की बात नहीं मानता और ननैको दीदी की ड्राइंग बनाने लगता है और साथ ही ड्राइंग पर लिख देता है ये ननैको दीदी मुझे हमेशा पसंद करेगी। लेकिन जब वो लड़की ड्राइंग से बाहर आती है तो हम शिनचैन को देखते हैं जो ननैको की तरह बिल्कुल नहीं लग रही होती है और वो शिनचैन को देखकर बार बार कह रही होती है आई लाइक यू। ये देखकर शिनचैन वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो पहाड़ी से गिरने लगता है, लेकिन
नकली ननैको आकर शिनचैन को बचा लेती है। अगले दिन शिनचैन यूजी और नकली ननैको के साथ शहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन भूख की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसलिए शिनचैन ड्राइंग करके बुरी बुरी जायमोन को बाहर निकालता है। लेकिन बुरी बुरी जायमोन तो खुद शिनचैन से खाने के लिए मांग रहा था। तभी हम सब एक नदी देखते हैं, पर वो नदी से मछली नहीं पकड़ पाते। फिर शिनचैन स्केच बुक पर चोको चिप्स ड्रॉ करता है, पर लेकिन उस क्रेयॉन से कोई भी खाने की चीज़ नहीं निकल सकती थी। उसी वक्त प्रिंस के कुछ सैनिक घूमते घूमते वहाँ जाते हैं, इसलिए वो सब एक ड्रॉ करी गई कार से भागने लगते हैं, जहाँ वो तेज़ी से कार चलाने की वजह से कार की रूफ टूट जाती है और बुरी बुरी जायमोन हवा में उड़ने लगता है। तभी शिनचैन कार के बूस्ट ऑन कर देता है, जिससे बुरी बुरी जायमोन की हालत पतली होने लगती है। इसके बाद शिनचैन कार को जंगल की तरफ मोड़ लेता है, जहाँ एक पेड़ से टकराने की वजह से उनकी कार पर एक्सीडेंट हो जाता है और साथ ही उनकी कार बड़ी नदी में गिर के पिघलने लगती है, जिसे देखकर यूजी कहते हैं कि क्रेयॉन से बनाई गई सारी चीज़ पानी में आकर पिघल जाती है। साथ ही रकुंगा किंगडम के लोग भी पानी में आकर पिघल जाते हैं और दूसरी तरफ सारे बच्चे स्क्रिबल करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और प्रिंस के सैनिक उनको रुकने नहीं दे रहे थे। जब राजकुमारी को पता लगता है कि जैक ने वो जादुई क्रेयॉन किसी पृथ्वी के ब्रेव बच्चे को दे दिया है, तो वो उस क्रेयॉन को ढूंढने के लिए पृथ्वी के लिए निकल जाती है। इस तरफ शिनचैन और बाकी सबको कुछ फ्रूट्स मिल जाते हैं, जिसे खाकर वो अपनी भूख मिटा लेते हैं। इसके बाद शिनचैन और बाकी सब घूमते घूमते एक घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ एक लियो नाम का बच्चा अपनी मोम का बहुत देर से इंतजार कर रहा था, जो कासुकाबे गई हुई थी। अब वहाँ पहुंचकर वो सब लियो को कुछ खाने के लिए मांगते हैं। फिर खाना खाने के बाद वो सब कासुकाबे के लिए निकलने लगते हैं, तो लियो भी अपनी मोम को ढूंढने के लिए कासुकाबे जाने के लिए निकल जाता है। आगे ट्रेन में जाते समय शिनचैन यूजी को पहन लेता है और बुरी बुरी जायमोन को शिनचैन और लियो शिकार की तरह पकड़ लेते हैं, ताकि उन्हें ट्रेन में सफ़र करते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। अब कासुकाबे पहुंचने के बाद शिनचैन क्रेयॉन की मदद से बड़े बड़े टैंक बनाता है, जिससे वो प्रिंस के सैनिकों से लड़ सके। लेकिन शिनचैन के बनाए हुए टैंक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इसलिए प्रिंस के सैनिक शिनचैन पर भारी पड़ने लगते हैं। तो अब सब वहाँ से भाग कर गली में जाते हैं और वहाँ शिनचैन जल्दी से कुछ बॉम्ब्स बनाता है, जिससे वो सारे सैनिकों को डरा के भगा देते हैं। अब वो सब शहर के अंदर जाने लगते हैं। चलते चलते वो सब शिनचैन के स्कूल पहुंच जाते हैं, तो शिनचैन उस क्रेयॉन की मदद से योशिनागा मैम को नॉर्मल इंसान बना देता है और योशिनागा मैम बोलने वाली चट्टी और बुरी बुरी जायमोन को देखकर हैरान हो जाती है। आगे शिनचैन सभी बच्चों को बचाने के लिए बड़े बड़े क्रिएचर्स बना देता है और फिर सब मिलकर प्रिंस के सैनिकों पर हमला कर देते हैं और सारे बच्चों को बचा लेते हैं। तभी शिनचैन को ननैको दीदी की फोटो कार के पीछे दिखाई देती है और कार को हटाने पर शिनचैन को पता चलता है कि ननैको दीदी है ही नहीं, बल्कि कोई और है। तो शिनचैन ननैको दीदी की दोस्त से उनके बारे में पूछता है, जो वहीं फ़ोटो में कैद होकर पड़ी हुई थी। बताती है कि ननैको आज सुबह स्टेशन की तरफ गई थी। ये सुनकर शिनचैन ननैको दीदी को बचाने के लिए स्टेशन पर जाने का फैसला करता है, पर उसी वक्त कजामा की मम शिनचैन से कहती है कि कुछ लोग अभी भी मॉल में फंसे हुए हैं और हो सकता है तुम्हारे मोम डैड भी वहीं हो। तो ये सुनकर शिनचैन सबसे पहले मॉल के लिए चला जाता है और एक एक करके सभी को बचाने लगता है। जब वो ये सब कर ही रहा होता है, तभी शिनचैन के हाथ से वो जादुई क्रेयॉन गिर जाता है, जिसे बुरी बुरी जायमोन उठा लेता है और प्रिंस के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम राजकुमारी को देखते हैं, जो रकुंगा किंगडम से पृथ्वी पर आ गई थी और पृथ्वी पर आने के बाद उनकी मुलाकात लियो से होती है, जो सभी से अलग होकर अपनी मोम को ढूंढ रहा था। आगे लियो राजकुमारी के साथ अपनी मोम को ढूंढने लगता है, जहाँ एक गली के अंदर उसे उसकी मोम मिल जाती है। उसी वक्त लियो की नज़र बुरी बुरी जायमोन पर पड़ जाती है और वो प्रिंस से क्रेयॉन की डील करने जा रहा था। उसे लग रहा था प्रिंस उसे क्रेयॉन के बदले बहुत सारे पैसे देगा। ये देखकर लियो जल्दी से बुरी बुरी जायमोन को साइड में लेकर समझाने लगता है कि तुम प्रिंस को क्रेयॉन मत दो।
तो पृथ्वी को खत्म कर देगा। ये सुनकर बुरी बुरी जायमोन क्रियों ने लियो और राजकुमारी को दे देता है और प्रिंस से कहता है कि मेरे पास क्रियोन नहीं है। तो प्रिंस बुरी बुरी जायमोन को बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ राजकुमारी लियो की मोम को नॉर्मल कर देती है और इस तरफ शिनचैन को एक हाथ गली से बाहर आता हुआ दिखाई देता है, जिसे शिनचैन ननेको दीदी का हाथ समझकर वहां चला जाता है। पर असल में वो तो हाथ प्रिंस के ही दो सैनिकों का था। वो शिनचैन को फोटो में कन्वर्ट करने ही वाले थे, तभी ननेको शिनचैन को बचा लेती है, पर वो बारिश में भीगने की वजह से हमेशा के लिए पिघल जाती है और ये देखकर शिनचैन बहुत ज़्यादा उदास होने लगता है। आगे सभी बच्चों को स्क्रिबल ना करने की वजह से रखूंगा कैंडम पृथ्वी पर गिरने लगता है और सभी लोग डरने लगते हैं। तभी राजकुमारी वहां आ जाती है और सभी से फिर से स्क्रिबल करने के लिए कहती है और सब लोग राजकुमारी की बात ना मानकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन शिनचैन के दोस्त राजकुमारी की मदद करने के लिए स्क्रिबल करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ राजकुमार आता है और रकुंगा किंगडम को गिरते देख रोने लगता है। दूसरी तरफ हम शिनचैन को देखते हैं जो बुरी बुरी जायमोन को बचाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बारिश की वजह से मरने वाला है। तभी शिनचैन को एक आइडिया आता है और वो बचे हुए क्रियोन से कुछ बनाना शुरू कर देता है। इस तरफ लियो माइक की मदद से शहर को लोगों को स्क्रिबल करने के लिए कहता है और कहता है कि प्लीज़ हमारी मदद करो, लेकिन कुछ लोग वहां आकर उनके साथ स्क्रिबल करने लगते हैं। साथ ही राजकुमार और उसकी साथी भी उसकी मदद करने लगते हैं और दूसरी तरफ ड्रॉ करते करते शिनचैन का क्रियोन ख़त्म हो जाता है, इसलिए यूजी उसके खुद को इस्तेमाल करने के लिए कहता है। तो शिनचैन ना चाहते हुए भी यूजी का यूज़ करके ड्रॉ करने लगता है, जहां उसके ड्रॉ ख़त्म होने के बाद उसमें से बड़ा सा बुरी बुरी जायमोन निकलता है, जो अपनी पूरी ताकत से इस्तेमाल करके रकुंगा किंगडम को वापस से आसमान में उछाल देता है और उसके उछलते ही सभी चीज़ें पहले जैसी होने लगती है। ये देखकर प्रिंस और राजकुमारी बहुत खुश होने लग जाते हैं और अपने किंगडम वापस चले जाते हैं। और आगे हम ननेको दीदी को देखते हैं जो शिनचैन को बताती है कि वो सुबह किसी काम से दूसरे टाउन में चली गई थी। यह सुनकर शिनचैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी ननेको दीदी को कुछ नहीं हुआ था। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ।